मेरा क्वेश्चन सिंपल अपने जीवन के उस पे है सर, हम जो भी कोई भी कुछ काम करते हैं तो हम सर कुछ भी काम करते हैं उसमें हमें एक्सपेक्टेशन तो होती होती है सर, चाहे वो जॉब है कुछ भी है सर। तो सर मतलब अब जैसे ये स्पिरिचुअलिटी है, इधर भी जाना है और जीवन भी करना है पूरा, तो सर उसमें मतलब काम किस तरह से अप्रोच रखे जाए सर? भाई जो चीज जैसी है उससे वो उम्मीद करो ना। नहीं ये पानी पी रहा हूँ इससे शैम्पू थोड़ा ही हो जाएगा। जो चीज जिस काम आ सकती है, जो उसका सम्यक स्थान है, तुम उससे वो अपेक्षा कर लो तो चलेगा। फिर अपेक्षा की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो काम तो वो वस्तु स्वयमेव करेगी। पर अब पी रहे हो पानी और कह रहे हो काश इससे दिल की आग बुझ जाए, ये दिल में नहीं जाता, ये आंत में जाता है। अगर ये सीधे दिल में जाने लग जाए तो बीमारी हो जाएगी। काम को काम जानो ना। तुम काम पैसा कमाने के लिए करते हो, ठीक है, उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि जो चीज तुम गए हो पैसा अर्जित करने के लिए करने, वहां पर तुम फिर मानसिक आध्यात्मिक शांति भी ढूंढने लग जाते हो। तुम चाहते हो कि तुम अच्छा काम करो, तुम्हारी तारीफ हो जाए, एक दो बार हो जाएगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिसे अच्छा काम बोलते हो वो तुम्हारी संस्था की परिभाषा से जरा हटकर है। फिर तुम तो करोगे अच्छा काम अपनी तरफ से, तारीफ उधर से मिलेगी नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे लक्ष्य हैं उनके वो लक्ष्य हैं नहीं। तुम्हारे लक्ष्य तुम में केंद्रित हैं, उनके लक्ष्य उनके अपने स्वार्थों में केंद्रित हैं, दोनों कब तक साथ चलेंगे? फिर तुमको अफसोस होता है। जीवन में जहां से जो मिल सकता है उससे उतना ही मांगो। काम से भगवान मत मांगने लग जाओ। प्रेमी प्रेमिका से राम मत मांगने लग जाओ। न काम भगवान बनेगा, न प्रेमी राम बनेगा। तुम्हें बस विश्राम नहीं मिलेगा। ये बहुत होता है। तुम आकर्षित हुए थे किसी की ओर उसकी देह देख करके, ठीक, हकीकत यही है कि नहीं? अब तुम मांग क्या रहे हो उससे? प्रेम। अब प्रेम मिलता नहीं है तो तुम उस पर दोषारोपण कर रहे हो कि ये प्रेम नहीं दे पाता। उसने दावा कब किया था वो प्रेम देगा? और उसका दावा भी छोड़ो, तुम क्या वाकई उसकी तरफ प्रेम पाने गए थे? तुम्हारे कदम उसकी ओर बढ़े ही इसलिए थे क्योंकि उसकी देह आकर्षक थी, ठीक, देह के लिए गए थे, देह मिल गई, ज्यादा की उम्मीद कर क्यों रहे हो? अब रोते क्यों हो कि प्रेम नहीं मिलता? जिस रिश्ते की बुनियाद ही देह थी उसमें स्नेह क्यों मांग रहे हो? पर मांगते भी हो, कुछ हद तक तुम्हें मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता तो सामने वाला तुम्हारा दिल रखने के लिए स्वांग कर लेता है, पर एक सीमा के आगे तो नाटक कर नहीं सकता। फिर कहते हो कि दिल टूट गया, प्यार में धोखा हो गया। ईमानदारी से बताना, धोखा तो बाद में हुआ, शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत में तुम प्रेम से लबालब थे, देह दिखी थी, खिंचे चले गए थे, और जानते क्या थे तुम उसके बारे में? देह के अलावा दृष्टि पड़ी कहां थी? अब शिकायतें हैं। जहां से जो मिल सकता है वही लो। राम तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। न मांगो न खोजो, न उम्मीद रखो। दुनिया जैसी है तुम्हें वही देगी। दुनिया बीतती हुई कहानी है, ढलता हुआ सूरज है, गुजरता हुआ मौसम है। दुनिया अगर तुम्हें स्थायित्व दे सकती तो पहले स्वयं ही स्थायी ना हो जाती? जो दुनिया खुद गुजरने वाली है उसमें तुम चाहते हो कि तुम्हें अमरता मिल जाए। दुनिया खुद अमर है क्या जो तुम्हें अमरता दे पाएगी?
पानी के बुलबुले को तुम अपना कवच बनाना चाहते हो। वो बेचारा अपनी तो बचा नहीं पाता, तुम्हें क्या बचाएगा। तुम कहते हो मकान तुम्हें सुरक्षा दे दे, मकान बनाया तुमने, मकान को सुरक्षा तुम देते हो और चाहते हो मकान तुम्हें सुरक्षा दे दे। तुम मकान को सुरक्षा ना दो, मकान कितने दिन चलेगा बोलो। और चाहते हो मकान तुम्हें सुरक्षा दे दे, अरे जो जो दे सकता है उससे उतना ही मांगो। काम और मकान तुम्हें आत्मिक शांति नहीं दे पाएंगे, पर कुछ दे सकते हैं, जो दे सकते हो ले लो। काम पैसा दे लेगा, ले लो। मकान हवाओं के थपेड़ों से और शीत से सुरक्षा दे देगा, ले लो। पर कहोगे कि नहीं मकान बनवा लिया है अब इससे आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, तो घंटा एक के बाद एक बनवाते जाओ। जो तुमने बनवाया है वो तुम्हें तुमसे आगे कुछ कैसे दे देगा। नौकरी तुमने पकड़ी थी ना, अब चाहते हो कि नौकरी तुम्हें बिल्कुल और आदमी इन्हीं दो चीजों में उलझा रहता है, बाकी सारी बातें एक तरफ। वक्त तुम्हारा सारा या तो दफ्तर में जाता है, घर में जाता है। दफ्तर में तुम्हारी उम्मीद रहती है नौकरी से और घर में तुम्हारी उम्मीद रहती है बीवी से, और दोनों जगह तुम्हें मिलता है। और फिर तुम कहते हो कि हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने हैं, अब हमें सदगुरु की तलाश है। सदगुरु क्या करेंगे, वो बेचारे खुद सताए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि तुम जाकर के उम्मीदें पालो। अभी थोड़े दिन का मैं आपके वो पढ़ा कि जो मध्यम मार्ग की होता है वो दोनों साइड से जूते करता है, तो अपना उलझा हुआ पैर याद आ गया घोड़े के पूछ में। मध्यम मार्ग यहाँ से भी जूते खा रहे हैं, वहां से भी जूते खा रहे।